जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 समझदार नहीं का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। देखो यहाँ पर क्या करना है, किसने कहा किससे और क्यों कहा, यह भी हमें यहाँ पर लिखना है। पहला प्रश्न है, माँ मैं उसकी गंदी आदत चुरा कर रहूंगी। यह वाक्य जो है वह नन्ही अपने माँ से कहती है, क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा, क्या करूं डंक मारना मेरा स्वभाव है, क्या करूं डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा, तुम यहाँ गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देती है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा है, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही के जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। मित्रों, कहानी हमने पढ़ी है, इस पर से हमें बताना है कि अगर हम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते। तो डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसी को उसने डंक मार दिया था। नन्ही स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी, वह समझदार और उदार थी। उसने बिच्छू की बुरी आदत छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह ही व्यवहार करता और बुरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करता। इस प्रकार आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी, नन्ही एक छोटी बतख थी। 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था, बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ क्योंकि दोबारा जीवन दान देने वाली नन्ही को उसने डंक मार दिया था। नन्ही ने क्या निश्चय किया, नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, और नन्ही को बिच्छू पर दया आई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम चाहे उसे जितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। यह बताया। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बताया कि मेरा स्वभाव भलाई करना है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं, मेरा काम मुसीबत में पड़े लोगों को बचाना है, मैं हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों को बचाती रहूंगी। यह नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बताया।
प्रश्न दो, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यह जो कहानी का घटनाक्रम है उसे हमें कहानी अच्छी तरह से पढ़कर इन क्रमों को सही क्रम में लिखना है। तो इसमें पहला होगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, यह नंबर एक। दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, नंबर दो। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, यह होगा तीन। फिर चौथा है, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया, और अंतिम होगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। इस प्रकार हमें यहाँ क्रम लिखना है। प्रश्न तीन, इकाई में से पांच संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, यह जो इकाई है समझदार नन्ही हमें पढ़नी है और उसमें से पांच शब्द संज्ञा शब्द खोजना है और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे कि नन्ही, तो नन्ही एक बतख थी। मुसीबत, मैं मुसीबत में पड़े को बचाऊंगी। पानी, पानी गहरा है। आदत, बिच्छू आदत का गुलाम है। इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं तीन मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कहानी में से हमें मुहावरे ढूंढकर लिखने हैं, किन्हीं तीन, और फिर उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देखिए, पानी पानी होना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ लिखना है शर्मिंदा होना। जीवनदान देना, नया जीवन देना। थिरकने लगना, नाचने लगना। इस प्रकार आपको मुहावरे कहानी में से ढूंढने हैं और उसका वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका समानार्थी अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे नदी, तो समानार्थी अर्थ है सरिता। वाक्य प्रयोग हुआ है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। यानी कि जो अर्थ आपने लिखा है उसका वाक्य प्रयोग करना है। स्थान, स्थान का समानार्थी अर्थ है जगह। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत। हमें गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए। मुसीबत का अर्थ है संकट। संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न, खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना, नाचना। मोर, बादल देखकर नाचता है। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य प्रयोग करने हैं। प्रश्न छ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आपको रखना है। नियम के अनुसार अनुस्वार वाला शब्द हमें पहले लेना है। तो हम लेंगे यहाँ पर डंक, फिर नदी, बिच्छू, मुसीबत, फिर शैतानी। इस प्रकार शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। यहाँ पर देखिए, कहानी, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। चित्र देखकर
आपको कहानी बनानी है, किस तरह कहानी बनाई जाती है, बराबर। तो पहला चित्र देखो, दूसरा देखो, तीसरा और चौथा। पहले चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है, कबूतर हैं, नदी है, चींटी बह रही हैं। दूसरे चित्र में कबूतर हैं, पत्ते में चींटी चढ़ चुकी हैं और कबूतर उसे उठा रहा है। तीसरे चित्र में शिकारी आया है, वह गोली का निशाना लगाता है। और पांचवें चौथे चित्र में शिकारी को चींटी काटती है और निशाना चूक जाता है, कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। यह सब कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हमें कहानी का वर्णन करना है, तो चलो हम चित्र सहित कहानी देखें। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर की प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुंची। वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकी तो फिसल कर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चींटी अपने घर की तरफ चल दी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया। चींटी झट से शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी चिल्लाने लगा और उसका निशाना चूक गया। आवाज सुनते ही कबूतर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतर ने उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा: विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। प्रश्नार्थ: नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। अब पहले चित्र में देखो कि कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं और क्या हुआ है। तो इस चित्र में दो कार दिखाई दे रही हैं और एक मोटरसाइकिल। पास में ही सड़क पर एक एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में पहुंचाया गया होगा। कार में जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसके घर जानकारी दी गई होगी। इस प्रकार आपको यहाँ वर्णन करना है। इसमें जो चित्र दिखाया गया है उसके बाद क्या हुआ होगा उसका वर्णन हमने किया। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहाँ वाक्यों में विराम चिन्ह लगा लेना। बिच्छू बोला, फिर आपको यहाँ अल्प विराम करना है और उसके ऊपर दोहरा उद्धरण चिन्ह, नन्ही बहन, फिर अल्प विराम, आज तुम जीत गई, पूर्ण विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, इस वाक्य में दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर यहाँ अल्प विराम, फिर अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह, फिर अवतरण चिन्ह पूरा करना है। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह करना है, फिर यहाँ अल्प विराम करना है। ठिठक क्यों गए, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह यहाँ पर लगाना है, फिर अंत में पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह पूरा करना है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह वाक्य नन्ही बोलती है इसलिए दोहरा उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम।
बहन मुझे बचा लो, दोहरा उत्तरंचिन करना है, बहन के बाद अल्प विराम, अंत में पूर्ण विराम और फिर दोहरा उत्तरण चिन्ह पूरा करना है। इस प्रकार आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पैराग्राफ को पढ़ो। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। अब इस पैराग्राफ पर से हमें उत्तर लिखने हैं इन प्रश्नों के। कौन सा प्रश्न है? असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो यहाँ इंद्र इस पर बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं। यह बात इंद्र ने बताई। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो यहाँ है कि देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय खोजने के लिए गए। इस तरह आपको यहाँ उत्तर लिखने हैं। नीचे दिए हुए वर्णों से पांच पांच शब्द बनाइए। एक वर्ण पर से पांच शब्द आपको यहाँ बनाने हैं। ब पर से भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। रस, रण, राग, रीति, रोटी। नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं।